नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ऑर्पेट कंपनी का एक स्टीम आयरन है। ये भी फिलहाल चालू कंडीशन में नहीं है, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसमें ज़्यादातर तीन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो इसका सप्लाई कॉर्ड खराब हो सकता है, या फिर इसका कॉइल खराब हो सकता है, या फिर इसका जो थर्मोस्टेट है वो खराब हो सकता है। इसका जो सप्लाई कॉर्ड है ये अलग से दिया हुआ है, ये पहले से हमने चेक किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम्स अभी एक तो कॉइल में हो सकता है या फिर थर्मोस्टेट में। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है या फिर कॉइल में। दोस्तों, मैंने यहाँ इस आयरन को पूरी तरह से खोल दिया है। अभी हम सीरीज वायर की मदद से इसके कॉइल को चेक करेंगे। जब हम कॉइल को टेस्ट कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी शो हो रही है, ये इसकी कॉइल है और सीरीज लैंप भी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये कॉइल ओके है। अभी रह गया इसका थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट के दो टर्मिनल्स हैं, इसके ऊपर भी हम सीरीज लैंप से जब चेक करते हैं तो सीरीज लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये थर्मोस्टेट जो है ख़राब है। एक बार हम मल्टीमीटर की मदद से भी इसको चेक करके देखते हैं। ये कॉइल के दो टर्मिनल्स के ऊपर रीडिंग शो हो रही है, इसका मतलब कॉइल ठीक है। और जब भी हम ये थर्मोस्टेट के दो टर्मिनल्स के ऊपर चेक करते हैं तो रीडिंग शो नहीं होती है, इसका मतलब ये थर्मोस्टेट जो है एक डिसकनेक्ट हो गया है। ये जो रेड वाला वायर है ये थर्मोस्टेट से होके कॉइल के एक एंड पे चला गया है, और ये जो ब्लू वाला वायर है कॉइल के दूसरे एंड पे डायरेक्ट दिया गया है। तो अब मैं इस थर्मोस्टेट के कनेक्शंस जो है डिसकनेक्ट करूँगा और इस थर्मोस्टेट को बाहर निकालूंगा और देखूंगा कि अगर ये रिपेयरेबल है तो इसको ही रिपेयर करेंगे, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ थर्मोस्टेट को बाहर निकाला है, अभी हम इसको चेक करेंगे। इस थर्मोस्टेट में जहाँ स्विचिंग होता है, यानी कि जहाँ ऑन ऑफ होता है, वहाँ जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वहाँ स्पार्क होके होके काला पड़ गया है, जिसकी वजह से इस थर्मोस्टेट में एक पट्टी से दूसरी पट्टी में करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस थर्मोस्टेट में कोई मेजर प्रॉब्लम तो है नहीं, इसके लिए इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके जो दो ऑन ऑफ के पॉइंट्स के बीच में जो काला सा हो गया है उसको साफ़ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करना है, हमें एक पॉलिश पेपर लेना है और पॉलिश पेपर ये दो ऑन ऑफ पॉइंट्स के बीच में पॉलिश पेपर रख के घिसना है ताकि ये जो पॉइंट्स काले हो गए हैं ये साफ़ हो जाएंगे। ठीक तरह से घिसना है पॉलिश पेपर से और ये दोनों पॉइंट्स के दोनों साइड को बारी बारी से घिसना है ताकि ये ठीक तरह से साफ़ हो जाएंगे और वापस ये कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगी। मैंने पॉलिश पेपर से ठीक तरह से ये दोनों पॉइंट्स साफ़ कर दिए हैं। अभी वापस हम एक बार इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी। इसको पहले शुरू में हमने ऑफ कंडीशन में रखा है तो पहले रीडिंग शो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, रीडिंग नहीं शो हो रही है, इसको थोड़ा बढ़ा के इसको ऑन करते हैं और वापस एक बार कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी कंटिन्यूटी शुरू हो गई है, इसका मतलब इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अभी वापस हम इसको इसके जगह पे फिट कर देंगे और जिस तरह से आयरन को खोला था उसी तरह से वापस हम इसको जोड़ देते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी होम अप्लायंसेस है वो सब होम अप्लायंसेस के रिपेयरिंग के वीडियो आते रहते हैं। फिलहाल इस चैनल पे अच्छे अच्छे रिपेयरिंग के वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो, और आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। यही मेरी कोशिश रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तब उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पूरी तरह से इस आयरन को जोड़ दिया है। ये इसका सप्लाई का सॉकेट है, इसमें इसको हम रख देते हैं। ये इसके पॉइंट्स है तीन, जहाँ ये तीन पिन्स इसमें फिट हो जाते हैं। तो चलिए इसको सप्लाई देके चेक करते हैं कि ये आयरन अभी शुरू हो गई है कि नहीं है। पहले इसमें सप्लाई ही नहीं आता था, पूरी तरह से डेड थी। इसको एक बार चालू करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ सप्लाई चालू कर दिया है। इसका जो थर्मोस्टेट है शुरू में ऑफ कंडीशन में है, इसको थोड़ा बढ़ा के इसका जो इंडिकेटर है वो हम चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इंडिकेटर जल चुका है, इसका मतलब इसमें सप्लाई आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर के बाद वापस हम इसको ऑफ कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये गर्म हो चुकी है कि नहीं। दोस्तों, ये आयरन अभी पूरी तरह से गर्म हो रही है, इसका मतलब इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।